हेलो क्लास, सो वी आर हेयर टुडे वंस अगेन एंड आई एम गोइंग टुडे टू टीच यू द साइंस क्लास. ओके, आई एम गोइंग टू टुडे टेक योर साइंस क्लास. द चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे हैड ऑलरेडी बीन स्टार्टेड बाय मी इन द लास्ट सेशन, मींस लास्ट टर्म ऑफ द ऑनलाइन क्लास व्हिच रन इन द मे. ओके, today I am going to make a recap of the point which I have already discussed and then I will discuss the next point. तो मैंने जो चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ उसका कुछ पॉइंट मैंने पहले ही पढ़ा रखा है. ठीक है, तो वो पढ़ाया मैंने मई के महीने में, जो बीच में आपका एक महीने लैच किया गया, लॉकडाउन ये हुआ कि एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, इसलिए क्लास बैन कर गई थी. तो वापस मैं उसको एक बार क्या करता हूँ, रिवाइज करता हूँ, उसके बाद आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ. पहला क्या था, सिंथेटिक फाइबर. चैप्टर नेम क्या है, सिंथेटिक फाइबर फाइबर एंड प्लास्टिक. तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज प्लास्टिक. ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द फाइबर. व्हाट इज फाइबर? फाइबर इज अ थिनेस्ट, फाइबर इज द थिनेस्ट स्ट्रेंथ फ्रॉम विच ए यार्न मेडअप. जो फाइबर होता है सबसे थिनेस्ट स्ट्रेंड होता है, जिसको मिलाने पर, जिसको आपस में क्या इंटरवीन करने पर, आपस में मिलाने पर, एक पैटर्न को उनको इंटरवीन करने पर वो क्या होते हैं, यार्न बनते हैं, धागा बनते हैं. मीन्स हम कह सकते हैं कि फाइबर इज थिनेस्ट स्ट्रेंड ऑफ ए थ्रेड. किसी थ्रेड का जो सबसे पतला स्ट्रेंड होता है उसको क्या नाम देते हैं, फाइबर देते हैं. और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर मीन्स द फाइबर विच वी मेड फ्रॉम द केमिकल. जनरली विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल, जनरली दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, बट मोस्ट ऑफ देम कंटेन द केमिकल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मेनी अदर सोर्स. जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो फाइबर होता है जो कि हम बनाते हैं किससे, केमिकल्स के यूज करने से. यह बात सही है कि जो केमिकल का सोर्स होता है वो नेचुरल सोर्स ही है, बट जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनके जो अंदर प्रॉपर्टी होती है वो उनमें केमिकल नहीं मिलाए जाते हैं, वो प्योरली स्योरली नेचर से मिलते हैं बिना कोई खास चेंजिंग के. हम डायरेक्टली उनको क्या करते हैं, यूज में ला लेते हैं. बट ये जो होते हैं इनके, ये क्या होते हैं, मोस्टली केमिकल से बने होते हैं. क्लियर, इनके जो सोर्स होते हैं वो होते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और बाकी सब बहुत सारे. ठीक है, मैंने उस वीडियो में पढ़ाया था कि फाइबर जो होती है जनरली तीन टाइप में रखे चलते हैं फाइबर को. फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर, सेकेंड वन इज सिंथेटिक एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड. ओके, नेचुरल फाइबर के बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ चुके हो क्लास सिक्स और सेवन में. ठीक है, सिक्स में प्लांट के बारे में, सेवन में एनिमल्स के बारे में था. लेकिन ये जो क्लास एट है आपका, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा जाएगा और थोड़ा बहुत मिक्स्ड फाइबर के बारे में. तो नेचुरल फाइबर मीन्स ऐसे फाइबर जो नेचर से हमें मिलते हैं, स्पेशली प्लांट और एनिमल से, और डायरेक्टली बिना कोई खास चेंजिंग के हम उसको यूज में ला देते हैं, जस्ट फॉर वूल, जूट, ओके, लाइलन, इस तरह से बहुत सारे आते हैं. लेदर एक तरह से नहीं मानता है उसमें फाइबर के अंदर, लेकिन फिर भी मानता है कि सोर्स क्या है, एनिमल्स ही होते हैं. तो इस तरह से बहुत सारे फाइबर मोस्टली चार या पांच टाइप बनते हैं इसके, जो होते हैं वो नेचुरल में आते हैं. उसके बाद कुछ जो फाइबर हैं हम यूज उसको करते हैं, बट वो क्या है, नेचुरल सोर्स से तो बने हैं बट उनमें केमिकल की मात्रा हमने ड्रग में यूज करी है, इसलिए उसको हम क्या नाते हैं, सिंथेटिक. नेचुरली वो ऐसे नहीं होते, हम उसके अंदर बहुत सारे चेंजिंग किए हैं और उसके बाद वो हमें मिले हैं, इसलिए उसका नाम क्या रखते हैं, सिंथेटिक फाइबर रखते हैं. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर को अगर डिवाइड किया जाए, इसमें रेयॉन होता है मेन, फिर नायलॉन होता है, फिर पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सब कुछ ऐसे होते हैं जो किसमें आते हैं, सिंथेटिक फाइबर के अंदर आते हैं. मैंने रेयॉन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा रखा था. रेयॉन इज ए फाइबर विच इज मेड फ्रॉम द सेलुलोज ऑफ वुड पल्प. एक वुड जो होती है, लकड़ी जो होती है, उसकी जो सेलुलोज होते हैं
उससे हम बनाते हैं। सेलुलोज एक तरह से कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म का होता है, ठीक है, उसके अलग अलग कंपोजिशन होने चलते वो अलग नाम दिया जाता है, बट जनरली वो कार्बोहाइड्रेट की फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो सेलुलोज होता है उसी से बनता है रेयॉन, लेकिन सेलुलोज एक नेचुरल ऑफटेनिंग है, लेकिन उस फिर भी उसको हम क्या नाम देते हैं, सिंथेटिक देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे हम केमिकल्स का यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर देखा जाए जो रेयॉन होता है उसको हम सिंथेटिक या आर्टिफिशियल क्या कहते हैं, सिल्क कहते हैं, क्योंकि जो मार्केट है कि जब मार्केट में सिल्क की डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि सिल्क जनरली प्रॉपर्टी होता था एशिया साइड, वो भी साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, हम लोग कंट्री चाइना और जितने बाकी से हमारे आस पास के देश हैं उनके अंदर, ठीक है, और यूरोप साइड नहीं, मतलब जो इंग्लैंड और फ्रांस जर्मनी ये सब देश हैं वहाँ नहीं प्रोड्यूस होती थी, लेकिन वहाँ के लोग थोड़े अमीर थे और उनके पास पैसे इतने थे कि ऐसे सिल्क इतने महंगे कपड़े को खरीद सकते थे, ठीक है, और जब वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ पड़ी तो लोगों के पास और पैसे हुए, जो गरीब लोग थे वो अभी अमीर होना शुरू कर दिए, उनके बीच में डिमांड बढ़ना शुरू हो गई सिल्क की, लेकिन सिल्क की प्रोडक्शन उतनी हाई नहीं थी जितना होना चाहिए ताकि उन्हें डिमांड पूरा कर सके। तो साइंटिस्टों ने एक ऐसी फाइबर बनाया जिसकी बिहेव, ठीक है, किसकी तरह था, रेयॉन की तरह, सॉरी सिल्क की तरह, उसका नाम रेयॉन रखा। रेयॉन जो होता है चमक, ब्राइटनेस में, लस्टर में और ड्यूरेबिलिटी में और बाकी सभी चीज़ों में सिल्क के साथ मैच करता है, इसीलिए इसको हम क्या नामते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क नाम देते हैं। क्लियर। आर्टिफिशियल सिल्क देने पीछे यही कारण है कि इसकी जो लस्टर होती है, टेक्सचर होती है, ठीक है, ब्राइटनेस जो इसके अंदर ब्राइटर होती है, ठीक है, जो लाइट वगैरह जो इसको रिफ्लेक्ट करने की क्वालिटी होती है, वह सब लगभग किसके साथ मिलती है, सिल्क के साथ मिलती है। उसके बाद क्या था, नायलॉन कहा था कि पूरी तरह से जो केमिकल, ठीक है, पूरी तरह जो सिंथेटिक फाइबर था वह नायलॉन ही है। क्या नायलॉन, रेयॉन में हमने थोड़ा सा सेलुलोज का यूज कर दिया था जिसके कारण से उसको पूरी तरह से हम नेचुरल नहीं कर सके, पूरी तरह सिंथेटिक नहीं कर पाए, लेकिन रेयॉन जो है वो पूरी तरह से क्या है, सिंथेटिक है। एक्चुअली माना जाता है कि रेयॉन जो है दो सरों के नाम पर पड़ा है, नायलॉन NY स्टैंड फॉर न्यूयॉर्क और LON मींस लंदन, ठीक है, ये दोनों पे क्या हमें पड़े हुए और पूरी तरह से क्या है, केमिकल है। इसको बनाने में मेनली जो यूज होता है वो होता है कोल का। नायलॉन की अगर क्वालिटी देखा जाए तो पहला क्वालिटी होता है इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर एट लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं सूखता है, ठीक है, मतलब नायलॉन से कॉटन कपड़े होते हैं अगर आप एक बार भिगो दोगे तो तुरंत अगर भींग गए तो बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, उनको थोड़ा उठाना क्या होता है, मुश्किल होता है, बट दूसरे जो होते हैं वो उनको उठाना क्या होता है, नायलॉन मुश्किल नहीं होता है। उसके बाद सेकेंड वन दे आर वेरी स्ट्रांग, ये जल्दी फटते नहीं है, ठीक है, जैसे नायलॉन कपड़े हैं अगर तो जहाँ से ज्वाइंट किए गए सीले जहाँ से वहाँ से उखड़ सकते हैं, सरक सकता है, लेकिन क्या होता है वो फटते नहीं है, साथ ही साथ दे आर वेरी शाइनिंग, बहुत उनमें चमक होती है। उसके बाद दे आर रिंकल फ्री, उनमें सलवटें नहीं पड़ती है, मतलब जैसे कॉटन कपड़ा होता है जैसे हैंकी आप लोग की रुमाल होती है, आप उसको धुल दोगे तो जब तक आप उसको प्रेस नहीं करोगे, आयरनिंग नहीं करोगे तब तक वो यूज के लायक नहीं होता है, बट नायलॉन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वह जनरली क्या होता है रिंकल, अगर उससे कोई कपड़ा बना हुआ है तो रिंकल फ्री रहेगा, मतलब उसमें कोई सलवटें नहीं पड़ेंगी, वो पूरी तरह से सीधा हो जाएगा। उसके बाद दे आर नॉट अटैक बाई एनी इंसेक्ट और मौत, उन पर इंसेक्ट या मौत का ग्रो नहीं होता है, क्योंकि केमिकल जो होते हैं उनको इफेक्ट डालना उन पर इतना आसान नहीं होता है इंसेक्ट का, इसीलिए हम कैसे भी उसको रखें कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कॉटन कपड़े लोग बरसात के मौसम में नहीं पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर कपड़ा भींग गया सूखा नहीं सही से, ठीक है, तो उसमें फंगी लग जाएंगी जिसको हम दहिया बोलते हैं, और जिस कपड़े क्या देगा खराब हो जाएगा, ठीक है, वहाँ से फटने लगेगा, लेकिन नायलॉन में ऐसा नहीं है, ठीक है, नायलॉन का तो ये होता है कि अगर आप इसको कपड़े को धुल कर बस छांव में बेहद क्या करते डाल देते हो, हवा थपा भी चल रहा है तो जल्दी सूख जाएगा, लेकिन कॉटन कपड़े को धूप अगर तेज नहीं है तो जल्दी नहीं सूखता है, बहुत टाइम लगता है तब जाकर क्या होता है सूखता है। इसके लाइट वेट, इसकी वेट जो होती है बहुत हल्की होती है
और बहुत स्ट्रांग होने चलते स्पेशली इनसे वह सभी चीज़ें बनाई जाती है जो बहुत स्ट्रांगर चीज़ को लोड या किसी भी चीज़ को झेलने के लायक बनाया जाए, जैसे कि रोप, पैरासूट नेट, मछली पकड़ने का जो जाल होती है, ठीक है, वह सब किसके बनाते हैं, नायलॉन से। नेक्स्ट वन इज पॉलिस्टर। अब यहां से मुझे स्टार्ट करना है, पहली बात ये ध्यान रखना कि जितने भी सेंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें आग पकड़ने की जो कैपेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम फायर वर्क में उसका ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, मतलब आग वगैरह जो काम जहाँ वैसे जगह पर किचन वगैरह में पहन उसको नहीं जाते क्योंकि आग पकड़ लेगा तो जलता तो नहीं है, गलता बहुत तेज है और स्किन पर उसी पक जाता है, ठीक है, जो बाद में खाने में और ऑपरेशन वगैरह करने में या ट्रीटमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है। और वो जो पॉलिस्टर, पॉलिस्टर दो वर्ड से बना है, पॉली और इस्टर। इस्टर एक केमिकल है जिससे हमें क्या मिलता है, फ्रेग्रेंस मिलता है, ठीक है, मतलब इसको कहते हैं स्वीट फ्रेग्रेंस, यानी फूल की तरह इसमें महक आती है, ठीक है, क्या इस्टर। और जब बहुत सारे इस्टर मिलते हैं तो जो सिंथेटिक फाइबर बनता है उसको क्या कहते हैं, पॉलिस्टर, ठीक है। इस्टर वो सब्सटेंस होता है जिससे क्या होता है, आर्टिफिशियल किसी चीज में फ्रेग्रेंस महक देते हैं, जो सेंट बनता है ना परफ्यूम, वो इस्टर का एक फॉर्म होता है, ठीक है, इस्टर सब्सटेंस में डाले गए हैं ताकि उसमें क्या रहे कि स्पेशल टाइप की फ्रेग्रेंस महक रहे, ठीक है। और जब बहुत सारे इस्टर के मॉलिक्यूल आपस मिलते हैं तो वो पॉलिस्टर कहलाता है, क्योंकि पॉली का वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब भी होता है मेनी, इसका मतलब क्या होता है, मेनी, यानी मेनी इस्टर, बहुत सारे इस्टर जब मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पॉलिस्टर। यह भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो नायलॉन की प्रॉपर्टी के साथ वो मैच करती चलती है, ठीक है। पहला ये होता है कि यह क्या होता है, स्ट्रांग होता है, रिंकल फ्री होता है, तो आयरन की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हल्का होता है, पसीने में, ठीक है, पसीने कम सोखता है, ठीक है। इस कोई इसकी क्या होती है, क्वालिटी होती है, जो पॉलिस्टर होता है उससे ज़्यादातर यूज करते हैं कपड़े बनाने में, क्या बनाने में, कपड़े, जितने भी कपड़े उसके आते हैं प्लेइंग के, खेलने वाले जितने भी, मतलब जो लोअर टी शर्ट आते हैं इसको ट्राउजर वगैरह बोलते हैं, वो जितने भी आते हैं सब मोस्टली किसके बने होते हैं, पॉलिस्टर के बने होते हैं, क्योंकि पहली बात उनमें दाग धब्बे नहीं लगते जल्दी, ठीक है, और उनको उनको पहनने में ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं होता है, क्योंकि अगर पूरी तरह नायलॉन से कपड़ा रहे तो इरिटेटिंग होता है, मतलब उससे थोड़ा सा हमें दिक्कतें उठानी पड़ती है, जगह जगह पर क्या इचिंग होने से और जगह इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, लेकिन पॉलिस्टर में ऐसा कोई खास नहीं होता है। इससे हम बनाते क्या है, शर्ट, साड़ी, ट्रैक सूट, उसके बाद कर्टेन, बेडशीट, पिल्लो, कारपेट, मतलब जितने भी कपड़े लगभग हम पहनते हैं सब कुछ बना लेता है, ठीक है। मोस्टली जितने भी हम लोग कपड़े अपने घर में पहनते हैं, ठीक है, वो सभी एक मिक्सर होता है, पूरी तरह तो पॉलिस्टर नहीं होता है, क्योंकि पॉलिस्टर कपड़े बहुत सस्ते आते हैं, 100-150 में आ जाते हैं, ठीक है। उनसे थोड़ा सा ये दिक्कत होता है कि गर्मी के मौसम उनको पहन कर धूप में आप चले जाओगे तो पूरी बॉडी क्या जाएगी, इन्फेक्शन फैल जाएगा, ठीक है, जगह जगह खुजली से होने लगता है, रेडिश हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा, इसे लोग गर्मी के मौसम महीने में क्या पहनते हैं, और जो कपड़े आते हैं कॉटन के उसको पहनते हैं, लेकिन इसको प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन इनको जब मिक्सअप करते हैं, क्या करते हैं, मिक्सर करते हैं, जैसे पॉलीकॉट बनाते हैं, ठीक है, पॉली उल, पॉलीकॉट, पॉलीकॉट मतलब पॉलिस्टर और कॉटन दोनों को मिक्सअप करके जब बनाते हैं तो वह कपड़े थोड़े से महंगे 500-600-700 पड़ते हैं, उनको पहनना सही रहता है, क्योंकि ज़्यादा पूरी तरह प्योर कॉटन लोगे तो हैंडल करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें थोड़ा भी अगर दाग लगेगा तो कपड़ा ख़राब हो जाएगा, ठीक है, उसको हर बार प्रेस करना पड़ेगा, हर बार धुलाई के बाद, साथ ही साथ उसको कुछ ही महीने में आप पहन सकते हो, ठंडी के मौसम में और क्या नाम इसका बरसात के मौसम में अगर आप पहनते हो तो बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर धूल दिए नहीं सूखा तो जल्दी वो क्या जाएगा, ख़राब जाएगा, स्पेशली बरसात के मौसम में। उसके बाद जो पॉलिस्टर होता है उससे हम क्या बनाते हैं, पीईटी बनाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीइथिलीन
टेट्रा जितने भी बॉटल आप देखे होंगे वाटर बॉटल ठीक है, उसके पीछे आप देखोगे लिखा होता है पीटी ठीक है, या पॉलिस्टर का एक फॉर्म होता है ठीक है। तो ये सभी यूज होते हैं पॉलिस्टर के, जनरली पॉलिस्टर से हम कपड़े बनाते हैं और कपड़े का ड्यूरेबिलिटी और बाकी सब थोड़े से अच्छे अच्छा क्वालिटी का कपड़ा रहे, साथ ही साथ हमें ज़्यादा दिक्कत ना उठानी पड़े, क्योंकि अगर आप मैंने कहा ना गर्मी के मौसम में अगर आप पॉलिस्टर कपड़े पूरी तरह पहनोगे तो पूरे बॉडी में क्या आ जाएंगे इन्फेक्शन होने लगता है ठीक है, खुजली वगैरह होने लगती है और रेडिश पड़ जाते हैं, तो उससे बचने के लिए मिक्सर करते हैं और बाकी सब ऐसे होता है। नेक्स्ट है एक्रिलिक। एक्रिलिक जो है एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कि ऊन की जगह पे हम यूज करते हैं ठीक है, ऊन फर ठीक है जितने भी होते हैं उनसे क्या होता है गर्म कपड़े बनते हैं, लेकिन जो ऊन की प्रोडक्शन होती है फर की जो प्रोडक्शन होती है वह बहुत कम होती है, इसीलिए हम स्पेशली एक सिंथेटिक फाइबर का यूज करते हैं जिसका नाम एक्रिलिक है। इसकी पूरी तरह ये ऊन के साथ मिला होता है लेकिन इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने चलते हैं, ये सस्ता मिलता है मार्केट में और इजीली अवेलेबल होता है क्लियर, इसलिए जितने भी कपड़े बनते हैं बड़ा उसमें ठंडी के मौसम में स्वेटर जो बनते हैं ठीक है, उसके बाद जो शॉल बनती हैं बेडशीट बनती हैं उसके बाद जितने भी क्या होता है रजाई के अंदर भरे रहते हैं ठीक है, सभी क्या बनते हैं एक्रिलिक भरे होते हैं ठीक है, यह वार्म होता है सॉफ्ट होता है और इस पर दीमक वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या है एक्रिलिक है। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक। ठीक है, तो जैसे सभी केमिकल से बने हुए कंपाउंड वैसे ये भी प्लास्टिक बेस केमिकल से बना है, जिसको कहा था 1907 में बनाया गया, उसके बाद से अब तक इसका कंटिन्यूस यूज होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो प्लास्टिक है वो डिकम्पोज नहीं होती, लेकिन माना जाता है कुछ ऐसी माइक्रोब्स हैं बैक्टीरिया के कुछ ऐसे फॉर्म हैं जो कि वाटर प्रेजेंट होती हैं और जितने भी ओशन में पड़ते हैं प्लास्टिक उसके कुछ पार्ट को डिकम्पोज कर पाती है ठीक है, लेकिन मोस्टली जो प्लास्टिक है वो डिकम्पोज नहीं होती है। प्लास्टिक का यूज आज के डेट में हम एक लार्ज स्केल पर करते हैं क्योंकि प्लास्टिक का कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो बाकी सबसे पूरी तरह लगे। पहली बात है प्लास्टिक हल्का होता है लाइट होता है जिसके चलते इसको ले जाना ले आना ठीक रहता है। दूसरी बात है ये क्या होता है ड्यूरेबल होता है, हाईली टेंसाइल होता है, मतलब ज़्यादा फोर्स से आप कुछ भी भर कर ले जाओगे तो भी जल्दी फटता नहीं है क्लियर, और इजिली अवेलेबल होता है। कुछ ऐसे इसके रीजन है जिसके चलते इसका यूज बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ इसके लिए हमें अवेयर भी रहना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट जितनी कंपेन चला रखी है जैसे कि सरकार ने 50 mm से नीचे की पॉलिथीन जितनी भी सबको बंद कर रखा है, क्योंकि जो 50 mm से कम की पॉलिथीन थी अगर वो बन जाती थी 0.5 mm ठीक है, जितनी भी 0.5 mm से उतने की जितनी जो प्लास्टिक थी ठीक है वो तो बंद हो जाती थी, लेकिन वो सिंगल टाइम यूज थी, एक बार यूज होने बाद दोबारा यूज नहीं होती थी। जैसे सब्जी खरीदते हो तो जो प्लास्टिक मिलता है वैसे टाइप की प्लास्टिक एक टाइम हमने यूज कर दिए फिर दोबारा यूज नहीं होता, माइक्रोन होता है सर 5 micron ने कुछ ऐसा था, तो उतना क्या है कि प्लास्टिक एक बार मार्केट से खरीद लाते हो आप उसका एक ही बार यूज करते हो तो गवर्नमेंट इसको क्या करती है प्रोहिबिट कर दी, मना कर दी कि आप नहीं खरीदोगे, आप अपने घर से क्या करो कैरी बैग ले जाओ झूले ले जाओ उसमें सब्जी वगैरह खरीद कर आओ, जब घर पर लाकर धुलना है ये सब अलग लिख कर रखना है तो उससे बेटर है कि प्लास्टिक लेकर आओगे फेंकोगे फिर से क्लियर, और प्लास्टिक जलाने पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए गवर्नमेंट क्या बैन करती है। लेकिन हम मोटी जो प्लास्टिक हैं वो मल्टीपर्पज के लिए ठीक है, एक जैसे हम एक प्लास्टिक लेकर आते हैं उससे कई काम करते हैं, जैसे जो कपड़ा खरीद कर आती है प्लास्टिक, अब तो कपड़े की दुकान पर मिलते हैं बैग ही ठीक है, कैरी बैग मिलते हैं कपड़े के, लेकिन पहले क्या थे प्लास्टिक मिलते थे वो प्लास्टिक कपड़े वो जो प्लास्टिक था कई जगह यूज़ करते थे ठीक है, हम तो जैसे बरसात के मौसम में बैग में उसको रख के काफ़ी वगैरह मिलाते थे ठीक है, कहीं ले जाना तो भी यूज कर सकते हैं, पेपर वगैरह भी रखना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब प्लास्टिक यूज में नहीं थी क्लियर। आज बस इतना पढ़ा रहा हूँ, कल से मैं पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक ओके।